नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज मैं हूँ लखनऊ के कैंट एरिया में। कैंट का ये सदर एरिया है, यहाँ मैं आया हूँ बात करने के लिए। यहाँ की कई समस्याएं हैं, यहाँ के एक निवासी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अखिल ग्रोवर मुझे कहते हैं। अखिल जी, क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर? सीवर लाइन का कार्य चल रहा है, अंग्रेजों के जमाने के बाद हम लोग के यहाँ सीवर लाइन अब प्रारंभ हुई, सीवर लाइन का काम। लेकिन जो भी ठेकेदार काम कर रहे हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जिससे जनता में बड़ा रोष है। तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी टूटा फूटा है, तो आप लोगों ने इसकी शिकायत नहीं की? बहुत बार शिकायत कर चुके हैं, बता रहे हैं कि कार चल रहा है, थोड़ा समय बहुत लेट चल रहा है, 3 साल से कार चल रहा है, बहुत ज़्यादा। 3 साल से चल रही है? 3 साल से कार चल रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। आम जनमानस में बड़ा रोष है, लोग रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज़ गरीब गिर रहे हैं, बरसात का पानी सब लोगों के घरों में आ जा रहा है, बहुत बुरी स्थिति बनी है माहौल। सिविल लाइन जुड़ी भी नहीं हो? अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं है। इसके लिए हमने रक्षा सचिव को ज्ञापन भी दिया था, किस कार्यकारी संस्था सही कार्य नहीं कर रही है, वो भी बताया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उसमें नहीं हो पा रही है। कार बहुत स्लो चल रहा है लगातार, कल भी पूरे बनिया माहौल से आवाज़ उठी थी, लगातार ग्रुपों में मैसेज चल रहे हैं, लगातार जनता में रोष है। कल ठेकेदार से बात की गई थी, ठेकेदार ने कहा कि हम जल्द से जल्द कार पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार दिख नहीं रहा है, बहुत स्लो काम चल रहा है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। देख रहा हूँ ये रिपेयरिंग हुई है, ये हम ही लोगों ने रिपेयर कराई अपने पास से पैसे से, कि ताकि जो है कम से कम आने जाने का वो हो जाए। 6 महीने से ऐसे ही खराब पड़ी थी, कहते कहते थक गए, तो आखिरी में अपने आप ही ठीक करवा के हम लोग को चलने का रास्ता कम से कम हो सके लोग आने जाने। लखनऊ का ये प्राइम एरिया है, यहाँ पर क्रीम एरिया है, यहाँ पर ये हालात है जी। अब कुछ समस्या हमारी छावनी परिषद की है बजट को लेके, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले चल रहा है सारा कार, और हम लोग बहुत समय के बाद हम लोग को ये सीवर लाइन मिली है। हम लोग से कहा जाता है कि बहुत समय बाद आपको ये मिला है, थोड़ा सा संयम रखें। तो 3 साल लगेगा? अब पता नहीं कितने साल अभी और लगेंगे, जिस हिसाब से हालात हैं, सदर बाजार के खोदे जा रहा है, पूरा सदर खोद दिया गया है, लेकिन उसको पाइप डालने के बाद उसको रिपेयर नहीं किया जा रहा है, पाइप डाल के उसको ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है। आपके सामने देखिए क्या स्थिति है, ये तो लोग गिर जाएंगे। रोज हम लोग जो है अपना बनवा रहे हैं, रोज करवा रहे हैं, या अपने पास से पैसा खर्च करके ठीक करवा रहे हैं। इतनी बुरी स्थिति कल की बनिया माहौल की है कि वहाँ कोई भी आम जनमानस निकलने, किसी के आ जाए एम्बुलेंस नहीं निकल सकती है, इतनी बुरी पोजिशन है। देखा आपने, ये हालात हैं यहाँ के। चलिए और लोगों से बात करते हैं, इस इलाके के एक नागरिक और हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अमित। अमित जी, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सीवर लाइन पड़ी है, फिर उसका ठीक से रिपेयरिंग नहीं हुआ है, उसका रोड पूरी खराब है, तो इसमें आप लोग ने शिकायत नहीं की? शिकायत के लिए किसको करेंगे, हम लोग को पता ही नहीं कि किसको शिकायत करनी है। तो क्या ठेकेदार ऐसे ही बना के चला गया? ऐसे चले गए थे, तो हम लोगों ने अपने हाथ से खुद ठीक किया हुआ है, इतने गहरे गहरे गड्ढे को था कि पूरी पूरी गाड़ी अंदर चली जा रही थी। हम लोग अपने हाथ से ठीक किया हुआ, अभी भी देख रहे हैं आप क्या कंडीशन है यहाँ की, पूरा खराब पड़ा हुआ है, बरसात होती तो पूरा भीग जाता है, घर तक मिट्टी चली जाती है, तो जो काम हुआ है बहुत ही बेकार हुआ है। हम लोग बिल्कुल खुश नहीं है, कोई भी नहीं है हमारे गली के अंदर, कोई भी नहीं है ऐसा। इसमें तो उनका ये कहना है कि हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा कर रहे होते तो फिर ये कंडीशन थोड़ी ना होती। हमारी मदर भी गिर गई थी यहीं पर ही, स्लिप कर गया था, पैरों का बुजुर्ग हैं वो, तो हम लोगों ने उनसे बोला भी कि जैसे आपने टायर उखाड़े हैं वैसे लगाई करें, अभी नहीं हम बाद में लगाएंगे, 2 साल लगेंगे इसमें, 3 साल लगेंगे, ऐसा बोला उन्होंने। 2-3 साल लगेगा सीवर रिपेयरिंग हो करके, पूरा फाइनल होने करके, पूरा क्लियर करने में उन्होंने बताया हमको कि 2-3 साल लगेगा। देखा आपने, ये हालात है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आप? सुरजीत सिंह। सिंह साहब, यहाँ की जो शिकायत मिल रही है वो ये मिल रही है लगातार कि यहाँ पे सीवर का जो काम हुआ है वो फिर बीच में ही रुका हुआ है और लोगों को दिक्कतें हुई। आप यहाँ के निवासी हैं, क्या बात बोलेंगे? यही है कि जो सीवर की जो खुदाई हो रही है, इसके बाद इसकी भरवाई नहीं हो पा रही। अगर ये भर देंगे तो कम से कम पब्लिक को आसानी हो जाएगी निकलने आने जाने में। तो आपने इसके लिए क्यों नहीं ऊपर शिकायत की? भाई, यहाँ के जो सभासद हैं या यहाँ के जो कर्मचारी, उन लोग से कहा जाता है, वो कह रहे ठीक है हम लोग करवाएंगे, बस यही बात होती है, इससे ज़्यादा। कई लोगों ने बताया कि वो ठेकेदार कर रहा है कि 2 साल लगेगा इसको पूरा ठीक होने में। नहीं, ऐसा बात तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हम इनका जो भी है अपना सिस्टम। वैसे ही कब से ये हालात है यहाँ पर? करीब पिछले 3-4 महीने से हैं। 3-4 महीने से जो ये बरसात गई है, पूरा बरसात के समय सब चीज प्रॉब्लम हो जाता है, बिल्कुल सब मिट्टी मिट्टी पानी पानी सब है चारों तरफ। अभी मैं देख रहा हूँ टूटा फूटा है, लोग गिर रहे हैं। जी जी, अभी भी यही हाल है, इसमें कोई जो है रद्दो बदल नहीं हो रहा है। देखा आपने, ये हालात है। एक सम्मानित इस इलाके के सदस्य हैं, इन्होंने बताया कि ये है और कोई सुनने वाला नहीं। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अमित। अमित जी, आप इस इलाके से? जी। कब से रह रहे हैं? मैं पैदा ही यहीं हुआ। इस समय यहाँ के हालात तो उतने अच्छे दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि सीवर लाइन की वजह से सब चीज़ें उबड़ खाबड़ है, तो रिपेयरिंग क्यों नहीं हो रही है, कैसा लग रहा है?
कैसा क्या लग सकता है, अभी तो पानी बरसा था, आपने स्थिति देखी है कितनी गंभीर हो गई थी, कुछ कह नहीं सकते हैं। और इतना डर बना रहता है हर वक्त कि जहाँ गाड़ी खड़ी करी है या जहाँ पे हम चल रहे हैं कब गड्ढा हो जाएगा ये नहीं पता, तो ये समस्याएं तो आप लोग शिकायत कीजिए ना। कई लोगों ने बताया कि उनकी मदर गिर गई, चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, लेकिन आप लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं। भाई देखिए, इस समय जो हमारे यहाँ के जो मेंबर्स हैं, इस समय सभासदी भंग चल रही है भाई। हालांकि तब भी वो पूरा कॉपरेट यहाँ के हमारे जो मेंबर्स हैं वो करते हैं और कर रहे हैं। अब बाकी कार्रवाई सारी तो वहाँ के जो डिपार्टमेंट है उसको करनी है। अब वो भैया कह दो, इधर से सुना उधर से निकाल दिया, बस यही स्थिति चल रही है। अब कॉन्ट्रैक्टर को क्या पकड़े हम जाके उसको, हम तो जानते नहीं है ना, मेरा कॉन्ट्रैक्टर है भैया, तो गवर्नमेंट अपॉइंटेड कॉन्ट्रैक्टर है, उनको देखना चाहिए। वही सब चीज़ें हैं भाई, क्या कहा जाए। हालांकि मेंबरों को बोलते हैं, काफ़ी हद तक वो प्रॉब्लम को सॉल्व भी करवाते हैं। अभी उससे कई लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने पैसे से रिपेयरिंग कराई अपने। मैं बता तो रहा हूँ, अभी हमारी समस्या हुई थी, मेरे घर के सामने गड्ढा हो गया, तो हमारे जो मेंबर साहब हैं अमित शुक्ला जी, उनसे हमने जब कहा तो उन्होंने मिट्टी मंगवाई, मिट्टी बुलवा के मिट्टी और गिट्टी डलवाई गई कि भाई चलिए चलने लायक तो बने। भाई मेंबर भी कह सकता कर सकता है, पूरा सहयोग करते हैं, मगर अब ये तो डिपार्टमेंट का काम है ना, अब वो डिपार्टमेंट से कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, बहुत दिक्कतें हैं। अरे उसके साथ साथ यहाँ पे जानवरों की बड़ी दिक्कतें हैं, यहाँ पे बंदर ऐसे घूमते हैं आप छत पे, चलिए हम आप तो जेंट्स हैं, लेडीज़ और बच्चे तो खड़े नहीं हो सकते। बंदरों का आतंक तो पूरे लखनऊ में अब देखने को मिल रहा है, पता नहीं प्रशासन क्या कर रहा है, नगर निगम क्या। यहाँ पे रात में आइए 10:30-11 बजे इसी रोड पे, मैं आपको गाय दिखा दूँ जो रोड पे बैठी रहती हैं, गाड़ियाँ निकालना मुश्किल होती हैं। हर मोहल्ले के अंदर आप गंदगी देख लीजिए, या हमारे सुपरवाइजर साहब इतनी मेहनत करवाते हैं मगर कोई वो नहीं रहता, सब गाय लोग गंदे। साफ सफाई होती है? साफ सफाई तो देखिए नो डाउट बहुत अच्छी होती है, सुबह शाम दोनों टाइम झाड़ू सब कुछ होता है यहाँ पे, साफ सफाई से कोई परेशानी नहीं। जो परेशानी इस समय और सबसे बड़ी जो परेशानी वो है सीवर की, कि सीवर का काम के पड़ा हुआ, सीवर का काम आपके सामने स्थिति से अच्छा वो खोदा ही ना गया होता, ना खोदा गया होता, और भैया ही सारी समस्याएं हैं। देखा आपने, आज मैं था लखनऊ के कैंटोनमेंट क्षेत्र में, ये सदर एरिया है, यहाँ पे इनकी समस्या जो है ना साफ सफाई होती है, पर यहाँ सीवर का जो काम शुरू हुआ वो अब रुक नहीं रहा है और काम पूरा नहीं हो पा रहा है, जो भी खोद दिया जा रहा है वो वैसे ही खुदा हुआ है। चलिए कल फिर नए एरिया में, नए क्षेत्र में आपसे मुलाकात होगी। कैमरामैन विक्की विश्वकर्मा के साथ मैं तुषार शर्मा, नमस्कार।